अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, लैंड फॉर जॉब कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, कारोबारी अमित कात्याल की जमानत पर सुनवाई आज होगी। राउत रेवेन्यू कोर्ट की कोर्ट पे आज नियमित जमानत पर हियरिंग होगी। लालू यादव के करीबी कारोबारी अमित कात्याल और इससे पहले कोर्ट ने अमित कात्याल को अंतरिम जमानत दी थी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, लैंड फॉर जॉब से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले में देखिए, आरोपी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत 25 अप्रैल तक बढ़ी थी और इस पूरे मामले में भी आज हियरिंग होने वाली है। लैंड फॉर जॉब कथित घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है और सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए। सुमित, कारोबारी अमित कात्याल की जमानत पर आज हियरिंग होने वाली है, क्या अपडेट? यादव के करीबी कारोबारी माने जाते हैं अमित कात्याल और फिलहाल मेडिकल बेल उनको मिली हुई है राउत रेवेन्यू कोर्ट से, लेकिन आज उनकी नियमित जमानत पर राउत रेवेन्यू कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा, क्योंकि इस पूरे मामले में लैंड फॉर जॉब कथित घोटाले से जुड़ा पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जिसमें ईडी लगातार जांच कर रही है। ईडी दो पहलुओं की जांच कर रही है, ईडी तो पहला मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, इसके अलावा साथ साथ सीबीआई भी लैंड फॉर जॉब के मेन मामले की जांच कर रही है जिसमें लालू एंड फैमिली भी शामिल है। हालांकि यह जो पूरा मामला है वो अमित कात्याल से जुड़ा मामला है जिसमें अमित कात्याल की नियमित जमानत पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत जो है वो बढ़ा दी थी, क्योंकि नियमित जमानत पर आज सुनवाई होनी है इस लिहाज से फिलहाल वो अंतरिम जमानत पर है। हो सकता है कि आज जब सुनवाई हो तो इस पूरे मामले को लेकर ईडी जमानत का विरोध कर सकती है इस पूरे मामले में, क्योंकि जिस तरह से लालू के करीबी माने जाते हैं अमित कात्याल, तो हो सकता है कि ईडी का ये कहना हो कि अगर अमित कात्याल को नियमित जमानत दी जाए तो इस पूरे मामले में ट्रायल पर असर पड़ सकता है, क्योंकि इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है ईडी की ओर से और सीबीआई की ओर से भी। तो फिलहाल देखना होगा कि आज जब नियमित जमानत याचिका पर जब सुनवाई होती है तो ईडी की क्या कुछ दलीलें रहती हैं कोर्ट में, यह देखना बेहद अहम रहेगा। हाँ बिल्कुल सुमित, इससे पहले भी ईडी ने विरोध करते हुए इसे गैर कानूनी कुछ भी नहीं है ये ईडी का स्टेटमेंट था और उसका उद्देश्य आरोपी के स्वास्थ्य की हकीकत कोर्ट के समक्ष रखना है, ये पिछली बार के स्टेटमेंट जब ईडी हियरिंग के दौरान ईडी का स्टेटमेंट था। सुमित जी निश्चित तौर पर देखिए, फिलहाल मेडिकल स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें जमानत मिली थी जो कि जमानत बढ़ा दी गई थी। ईडी का कहना था कि उन्हें नियमित जमानत नहीं दिया जाना चाहिए, स्वास्थ्य के आधार पर अगर जमानत दी गई है तो फिलहाल उनका जो स्वास्थ्य है फिलहाल ठीक है, इस लिहाज पर उनकी अंतरिम जमानत जो है वो समाप्त की जाए। आज नियमित जमानत पर ईडी का जो क्या कुछ रुख रहता है यह देखना बेहद अहम होगा। निश्चित तौर पर ईडी यहां जमानत का विरोध करेगी, क्योंकि इस पूरे मामले में ईडी का ये कहना होगा कि इस पूरे मामले में अभी ट्रायल होना बाकी है, अगर अमित कात्याल जेल से बाहर आएंगे तो सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इस लिहाज से उनकी नियमित जमानत जो है वो खारिज की जाए। ये तमाम दलीलें जो है वो ईडी की ओर से आज कोर्ट में रखी जा सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, नजर बनाए रखें।